ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से ये कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा? और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके।